हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल की ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है या जिसने अभी तक नहीं करा है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि काफी सारे डाउट्स जो है वो एक जैसे डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो उसके आंसर्स करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी के ये डाउट्स है, तो मैं सोच रहा था कि इसको जो है एक वीडियो में कवर कर लिया जाए। तो पहला तो डाउट ये है कि जो ओपन राउंड है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो देखो, ओपन राउंड में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपका जो मेरिट लिस्ट रिलीज करी थी काउंसलिंग से पहले, मतलब जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उससे पहले जो है मेरिट लिस्ट रिलीज की गई थी, अगर आपका उसमें नाम नहीं भी था तब भी आप जो है ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लियर है। और एक चीज मैं ये बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी ये डाउट है कि ओपन राउंड जो है वो ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, तो मैं ये बता दूं कि ओपन राउंड जो है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट जो है 4 अप्रैल है, यानी कि कल शाम को 5 बजे तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए जो है 25,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, और बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए 5,000 रुपए की फीस जो है वो जमा करनी होगी रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि एक डाउट ये और है कि जैसे कि आपको पता है कल जो है एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपको सेल्फ सरेंडर लेटर जो है वो अपलोड करना था अपना, ठीक है, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइनेशन लेटर इस तरीके का अपलोड करना था। उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, उसका मैंने फॉर्मेट भी दे दिया आपको प्रिंटेबल फॉर्म में, ताकि आप उसको प्रिंट करवा के फिल कर सकते हो, ठीक है। फिल करने से पहले मेरी वो वीडियो कंप्लीटली देख लेना कि उसको फिल कैसे करना है, क्योंकि दो टाइप के फॉर्मेट है, एक उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन कहीं पर ले रखा है, और एक उनके लिए जिन्होंने कहीं पर भी एडमिशन अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। और ये चीज आ रही है, मतलब एक डाउट ये भी आ रहा है कि हमने जो है पहले ही सेव कर दिया था अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है या रजिस्ट्रेशन जो है उसको पहले ही सेव कर दिया था, उसके बाद चॉइसेस भी लॉक कर दिए हैं, तो अब क्या होगा, हम इसको फिल कैसे करें। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जाके दोबारा से लॉग इन कर लो, लॉग इन करने के बाद जो है उसको ओपन कर लो आपका जो पोर्टल है काउंसलिंग वाला, और वहां पर जाके चेक कर लो कि लॉक्ड ही दिखा रहा है। अगर वो लॉक नहीं हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको जाकर चेक करो, और चेक करने के बाद जो है अगर वो दोबारा से ऑप्शंस आपके लिए ओपन कर रहा है, मतलब जो आपने बैंक डिटेल्स सेव कर रखी हैं वहां पर अगर आपके लिए जो है सेल्फ सरेंडर लेटर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको जाकर चेक करो, और चेक करने के बाद जो है सेल्फ सरेंडर लेटर अपना अपलोड करो, उसके बाद सेव करने के बाद दोबारा चॉइसेस आपकी लॉक होंगी, ठीक है। ये मेरे को नहीं पता है ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको जाकर एक बार खुद से चेक करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 2 अप्रैल से पहले पहले जो है अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया, लॉक वगैरह कर दिए चॉइसेस, और उसके बाद जो है ये लेटेस्ट अपडेट आया था सीट सरेंडर लेटर वाला, ठीक है। तो अगर वो अभी तक नहीं कर रहा है तो एक बार अपनी आईडी खोल के जरूर चेक कर लेना कि वो जो ऑप्शन है दोबारा एक्टिवेट तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर वो ओपन हो चुका है तो आपको जो है दोबारा अपनी चॉइसेस लॉक करनी पड़ेंगी। तो दोबारा आपने चेक कर लो ओपन करके, ऐसे संतुष्ट होकर मत बैठो कि हमारा काम तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और कल जो है शाम 5 बजे तक ये सारा काम कर सकते हो। और पेमेंट में अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी पूछ रहे हैं कि पेमेंट कैसे करनी है, यूपीआई से होगी नहीं होगी, तो पेमेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। वीडियो सेक्शन में जाओगे चैनल के ऊपर तो वहां पर आपको जो है सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे आपके डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद जो है अपना पूरा काम करना, मतलब अगर आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने से पहले पेमेंट की कंप्लीट एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद ही जो है पेमेंट को करना, ठीक है। और मतलब यही सारे आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स थे, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट आया था कि हमने जो है एडमिशन इग्नू में ले रखा है, तो देखो इग्नू वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट, मतलब क्या बोलते हैं, जो करेस्पॉन्डेंस से अपना कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको जो लेटर है वो नॉन एडमिटेड वाला देना पड़ेगा, ठीक है। जो ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री अपनी कर रहा है, परस्यू कर रहा है, तो उसको जो है लेटर नॉन एडमिटेड वाला देना पड़ेगा। एडमिटेड वाला लेटर जो है उसी को देना है, मतलब जो सेल्फ सरेंडर का लेटर है एडमिटेड वाला, तो वो उन्हीं को देना है जिन्होंने कहीं पर एडमिशन ले रखा है और वहां पर अपनी टीसी को जमा कर रखा है, ठीक है। जैसे टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, अपने जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कहीं पर भी न्यू कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जरूरी होते हैं, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी जमा कर रखे तभी आप एडमिटेड वाला फिल करोगे, वरना आप नॉन एडमिटेड वाला करोगे, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझ लेना, और यही सारे मतलब बेसिक डाउट्स हैं। और बाकी पेमेंट से रिलेटेड बाकी यही डाउट आ रहा है कि चेकबुक जो है वो दूसरे बैंक की है, हमने पेमेंट जो है वो किसी दूसरे बैंक से कर दिया है,
तो देखो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई जिसकी जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो उसी अकाउंट की जो है जो चेकबुक है उसका जो चेक है कैंसिल चेक वो अपलोड करना। अब अगर आप दूसरा चेक अपलोड कर रहे हो या किसी और बैंक का आपने अपलोड कर दिया जिससे आपने पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा, इसके लिए मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये है कि फीस तो आपकी रिफंड हो जाएगी लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट भी हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि जैसे इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए गए हैं वैसे सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो उस पर क्या एक्शन होता है वो एम्स ही जानता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इसके अंदर जो है कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। क्लियर हो गया इतनी बात, और चॉइसेस जो है जल्दी से जल्दी लॉक कर देना, और लॉक करने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आपकी चॉइसेस लॉक नहीं हो पा रही तो लेट नाइट जो है एक बार ट्राई करना। ठीक है, वैसे तो अगर शायद लॉक नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएंगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड जो काउंसलिंग हुआ था उसमें ऐसे ही हुआ था कि जिसने सेव करके भी छोड़ दिए थे उनकी जो चॉइसेस थी ऑटोमेटिकली लॉक हो गई थी। क्लियर है, लेकिन इस राउंड का मुझे नहीं पता कि अगर आप लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक होंगी या नहीं होगी। अगर किसी की लॉक चॉइसेस नहीं भी हो रही तो एक बार जाकर साइबर कैफे पे ट्राई कर लो, या आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उस पर एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, और तब भी नहीं होता तो फिर एक बार लेट नाइट ट्राई कर लेना, बार बार ट्राई करते रहो जब तक नहीं हो रहा, वेबसाइट की कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यही सारे आपके डाउट्स थे, आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, और कोई एम से रिलेटेड अगर अपडेट आता है ऊपर राउंड से रिलेटेड तो वो भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि एम्स 2022 के जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म्स हैं वो कब तक रिलीज होंगे, तो ये भी क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो ये मैं बता दूं ओपन राउंड की जब काउंसलिंग खत्म होगी तो उसके एक हफ्ते बाद तक, जहां तक लगता है मुझे कि एक हफ्ते बाद तक जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म 2022 सेशन के लिए रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस बात से आप संतुष्ट रहो कि 2022 सेशन के लिए बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के फॉर्म्स रिलीज नहीं करे गए हैं। ठीक है, साथ ही पोस्ट बेसिक की भी नहीं रिलीज हुए हैं। क्लियर है, तो जैसे ही उसके एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, और बाकी कोई भी आपको डाउट है तो मेरी वीडियो सेक्शन में जाके वीडियोस देख लो, सारी चीजें मैंने वहां पर अपलोड कर रखी है कि सेल्फ सरेंडर लेटर कैसे अपलोड करना है, फीस कैसे पे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारे डाउट्स आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड वो वीडियो वहां पर अपलोडेड है। ठीक है, वरना आप एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2021 की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे भी सारी वीडियोस को मैंने ऐड कर रखा है तो वहां से भी जाकर देख सकते हो। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।